सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15। तो गाइज आज सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो गाइज आज होली का रात है, होली का रात मतलब कि स्टार्ट हो गया है 12 बजे के बाद, तो ऐसी बात है होली स्टार्ट हो गया और हम निकले प्यारे से राइड पे। तो बहुत छोटा सा राइड है और ऐसे ही निकले थोड़ा घूमने के लिए, ताकि थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं ट्रक के बाजू से, क्योंकि ये लोग रात को बहुत परेशान करते हैं। तो अभी हम दो बाइक है और हमारे पिलियन में है, मेरे पिलियन में अमन और कहाँ गया वो के साथ है वारिस। तो अभी चलते ना अपना कॉलेज के वहाँ से चलते, देखते कोई है कि नहीं, मैं भी शायद दोस्त लोग दिख जाए वहाँ पे। गाइस हैप्पी होली आप सभी को, हम सब की तरफ से हैप्पी होली बहुत 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 शुभकामनाएं होली की। तो गाइस रास्ता तो पूरा खाली है, चलते यहाँ से थोड़ा भगाते हैं यहाँ से। खाली रोड में ना भागा हो ऐसा तो हो नहीं सकता। होली का आगरण तो हो चुका है, हर जगह जलाया जा रहा है। तो बहुत सारी जगह मैंने देखा अभी। तो अभी हम आ चुके हैं काली घाट और ये है अलीपुर इंडिपेंडेंस म्यूजियम। तो पहले ये सेंट्रल जेल हुआ करता था, बट इसे अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और अभी रात को सच बताऊँ तो बहुत तगड़ी चेकिंग चलती है भाई, और पता नहीं आज है कि नहीं है चेकिंग, क्योंकि आज तो होली का रात है, बहुत कोई निकलेगा घूमने को। यहाँ का पेट्रोल पंप फुल हो गया। तो देखते हम काली घाट फायर ब्रिगेड पहुँच चुके हैं और यहाँ से आ जाता है मेरा कॉलेज। देखते हैं कॉलेज में अगर कोई मिलता है तो बात करते, वरना यहाँ से सीधा निकलेंगे बॉक्स। ओए पगला लोग को। मुझे नहीं लगता अभी इतनी रात को शायद कोई दिखे, कोई भी नहीं है आज यहाँ पे, पूरा कॉलेज खाली है आज यहाँ पे। रंग बहुत खेला है लोगों ने। तो भाई यहाँ पे दोस्त मिल गया था, उससे थोड़ा बात बात किया। एक्चुअली बहुत दिन बाद मिले थे तो थोड़ा रुक गया था और शूट नहीं किया मैंने वो मोमेंट, क्योंकि बहुत दिन बाद मिले थे ना इसीलिए। तो रात के वक्त सब ठीक लगा करना था, मतलब रात के वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि शूट करूँ तो करूँ क्या। ओ भाई ये क्या हो रहा है ऊपर, लगता है ब्रिज का काम चल रहा है यहाँ पे। फुल डेंजरस और यहाँ पे सब कोई होली खेल रहा है रात के वक्त, पिक्चर वगैरह सब क्लिक कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली है AGC बोस कॉलेज के स्टूडेंट। मतलब ये अगर हंसी है तो सब कोई रो देगा। सो ऑलराइट गाइस, घूमते अभी हम लोग पार्क से पहुँच चुके हैं यहाँ से। तो अंदर से थोड़ा रास्ता आया था तो अंदर क्या ही दिखाता आपको, इसलिए मैं वीडियो बंद कर दिया था। तो अभी जहाँ बाहर आने वाला रास्ता है मेन रोड पर पहुँचे, मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया है और सामने गोल्डन आफरीन है। और यहाँ से निकलते हैं राइट। ये है दो पापा की परी। कोलकाता वाले पापा की परी। और इन लोग से दूर रहना है क्योंकि ये लोग राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट जाती है, लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट जाती है। तो इनको जाने देना है और हम इन लोग से जितना डिस्टेंस हो सके बनाए उतना डिस्टेंस बनाना है। तो बहन आप जाओ क्या मत,
ये पापा की, ये पापा की परी, परी है जी, बहुत डेंजरस है। मतलब GoPro पहन कर जब भी मैं शूट करता हूँ लोगों का रिएक्शन देखने लायक बनता है, सच बता रहा हूँ। अभी और एक रिएक्शन दिखाता हूँ, देखो मैं थोड़ा सामने जाऊँगा वो शायद कुछ फूट भी दे। बंदा का रिएक्शन अभी ले लेती पापा की परी मुझे। मैंने टर्न लिया, वो बंदी ऐसी आ गई। तो गाइस यहाँ से मतलब कि रात के और कोलकाता में जितने ओवर ब्रिज है सबको बंद कर रखा है, बिकॉज एक्सीडेंट एक टाइम पे बहुत हुआ है इस ब्रिज में। तो रात के वक्त लोग ज़्यादातर चढ़ते और रेस वगैरह खेलते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसको टू व्हीलर्स के लिए रात को बैन कर रखा है। तो आप अगर टू व्हीलर से ऊपर से नहीं जा सकते तो आपको नीचे वाला रास्ता यूज़ करना होगा। तो लास्ट वाले वीडियो में, मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम इस वाले ब्रिज से जा रहे थे, पूरा सीन ऊपर से दिखाया था मैंने। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वो वाला वीडियो कैसा लगा था। नेक्स्ट लेवल लगता है रात को, सच बता रहा हूँ, मतलब अलग टाइप है, प्यार है अपना कोलकाता। तो भाई देखते देखते हम लोग चाइना टाउन पहुँच चुके हैं, यहाँ से मेन लैंड चाइना टाउन। तो गाइस अभी यहाँ पे छोटा सा शॉप दिखा है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैगी मिलेगा, यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह भी बनता है यहाँ पे, तो ये लोग चाय पियेंगे मैगी खाएंगे। तो यहाँ पे गाइस चाय वाय पियेंगे मैगी वैगी खाएंगे, थोड़ा रात का तो मज़ा यही है। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा मतलब ठंडा ही हवा हवा चल रहा है हर जगह से। यहाँ पे थोड़ा मैगी वैगी खाएंगे, खाने के बाद फिर यहाँ से कहाँ निकलेंगे वो डिसाइड करते हैं। एग एग मेरा एक एक। तो यहाँ पे ये है मेन्यू, पास्ता वास्ता भी है। तो यहाँ पे अगर आप एक मैगी लोगे तो यहाँ पे होगा 50 रुपीज़। हर किस्म का वैरायटीज है यहाँ पे। तो अभी अब्रार खा रहा है मटन टिक्किया और पराठा। ये भी शायद अभी अंधेरा आता होगा आपको, और हमारा आइटम अभी बाकी आना। तुम अपना लेके ऑर्डर किए, अंडा मैगी, अंडा मैगी, एग मैगी, एग मैगी, और वाली हम भी एग मैगी खाएंगे, एग मैगी अंडा।
ऑलराइट गाइस, मुझे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा है। यहाँ पे एक बिरयानी कॉर्नर है, तो उसका जो प्रमोशन कर रहा है वो शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों कर रहा है। इतनी देखे क्या लिखा है यहाँ पे। तो शाहरुख बोल रहा है कि कोई बिरयानी छोटा नहीं होता है और बिरयानी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। उसके बाजू में ठीक आमिर खान बिरयानी खाते हुए, और यहाँ पे है सलमान खान, सेलिब्रिटी लव सोहेल बिरयानी। वाह, नेक्स्ट लेवल प्रमोशन था भाई साहब, ये कुछ अलग दिख गया मुझे। मैंने सोचा कि इसको ब्लॉग में इंक्लूड करते हैं, तो मतलब बहुत गजब था। जिसने भी किया है ना, बहुत अलग टाइप का माइंड भिड़ा है इसमें सच में। अभी आए भवानीपुर में, और आपने शॉट्स देखा, यहाँ पे हम लोगों ने लस्सी वस्सी पिया, थोड़ा सा एंजॉय किया। करने के बाद अब बज रहा है 4, तो प्रॉपर 4 बज रहा है टाइम। तो गाइस अब टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का घर की ओर। तो इस पूरे ब्लॉग में मैंने अपने आप को नहीं दिखाया है, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं किया ब्लॉग को। जब एडिट करूँगा तभी पता चलेगा कितना लंबा हुआ है नहीं हुआ है, बट आई होप कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो करते हैं एपीएन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो, सपोर्ट दिखाओ, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।